प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कार्मिक विभाग ने देर रात यह आदेश जारी किए। वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 108 आईएएसों के तबादले हुए हैं और इनमें 96 का तबादला, 10 को फिर से पोस्टिंग मिली है और जयपुर सहित 8 जिलों में नए कलेक्टर होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। आईएएस सुधा सिंह, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण। आईएएस अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि सिंचित क्षेत्र विकास जल उपयोगिता विभाग और अतिरिक्त मुख्य सचिव इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान। आईएएस अपना अरोड़ा, अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर। आईएएस श्रेया गुहा, महानिदेशक हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर। आईएएस राजेश कुमार यादव, अध्यक्ष जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर जयपुर, जिला कलेक्टर दुदू। आईएएस इंद्रजीत सिंह, आयुक्त दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जयपुर। आईएएस प्रज्ञा केवल रमानी, संभागीय आयुक्त उदयपुर और बांसवाड़ा। आईएएस डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, निदेशक अभिलेखागार विभाग बीकानेर। आईएएस हेमंत कुमार गेरा, अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर। आईएएस गायत्री राठौर, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग जयपुर। आईएएस वैभव गात्रिया, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मंडल जयपुर और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जेएमआरसी जयपुर। आईएएस कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन उपयोग निराकरण मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग जयपुर। आईएएस अमित शर्मा, शासन सचिव कौशल एवं उद्यमिता रोजगार विभाग जयपुर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरएसएलडीसी जयपुर। आईएएस डॉक्टर जोगाराम, शासन सचिव और आयुक्त पंचायती राज जयपुर। आईएएस ची रमेश, शासन सचिव श्रम कारखाना और बॉयलर निरीक्षण एवं ईएसआई जयपुर। आईएएस पूनम, आयुक्त संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान। आईएएस सूची त्यागी, आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर। आईएएस राजन विशाल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जयपुर। आईएएस अर्चना सिंह, आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, साथ ही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर। तो ये वो तमाम नाम है जो फेरबदल हुए हैं, जिनका ट्रांसफर हुआ है और भजनलाल सरकार ने प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 108 अधिकारियों को बदला है। इनमें 96 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, जबकि एपीओ चल रहे 10 आईएएस को भी पोस्टिंग दी गई है। सरकार ने 20 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। देर रात कार्मिक विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए। बड़ी खबर, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 108 आईएएस बदले हैं, 96 का तबादला हुआ है, 10 को फिर से पोस्टिंग मिली है और जयपुर सहित 8 जिलों में नए कलेक्टर होंगे। जयपुर में प्रकाश राजपुरोहित की जगह एनआरएचएम के मिशन निदेशक जितेंद्र सोनी को लगाया गया है। वहीं वर्तमान कलेक्टर राजपुरोहित को वाणिज्यिक कर विभाग का आयुक्त बनाया गया है। तो देर रात कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। छियानवे अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इसके अलावा एपीओ चल रहे 10 आईएएस को पोस्टिंग दी गई है और 20 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तो 108 आईएएस अफसरों के तबादले, कार्मिक विभाग की ओर से देर रात आदेश जारी किए गए। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।
कार्मिक विभाग की ओर से देर रात ये आदेश जारी किए गए। ये बड़ी खबर। बीस आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, जिनमें आईएएस सुधा सिंह अध्यक्ष राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, आईएएस अभय कुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि सिंचित क्षेत्र विकास जल उपयोगिता विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव इंदिरा गांधी नहर विभाग राजस्थान, आईएएस अपर्णा अरोड़ा अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर, आईएएस श्रेया गुहा महानिदेशक हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान और पदेन अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशिक्षण राजस्थान। जयपुर से ये बड़ी खबर। आईएएस राजेश कुमार यादव अध्यक्ष जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मलखान मीणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, देर रात आदेश जारी किए गए हैं, 108 अधिकारी अब तक का जो है प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, क्या कुछ पूरी जानकारी? तो जानकारी आपसे साझा करेंगे और इसी बीच ये तमाम नाम आपको बताने जिन्हें अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी, जिला कलेक्टर जयपुर, जिला कलेक्टर दूदू, तो ट्रांसफर हुए हैं 96 अधिकारियों के, 10 एपीओ चल रहे अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है और 20 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कार्मिक विभाग की ओर से देर रात आदेश जारी किए गए, बड़ी खबर। बीस आईएएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो चलिए सहयोगी मलखान मीणा फोनलाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मलखान, क्या पूरी जानकारी? देखिए, भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या इसका बेस रहा है, क्या उन अधिकारियों की परफॉर्मेंस इसका बेस रहा है, क्योंकि जब से सरकार बनी तभी से तबादलों का दौर कहीं ना कहीं लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से सही कहा आपने कि लगातार सरकार जिस तरह से जो काम करने की नीति है उसको बदलने का काम करते हुए नजर आ रही है, और जिस तरह से आज जो तबादले किए हैं ये बिल्कुल वो देखा जा रहा है कि आने वाले समय में आम जनता की जो समस्या है उनसे कैसे निपटा जाए। इसी वजह से तमाम जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के पास कई बार ये सबसे आ रही थी कि जनता के फीडबैक, जनता के काम नहीं हो रहे, इसी को देखते हुए ये बड़ा कदम है और भजनलाल सरकार का ये सबसे अहम कदम माना जाता है, क्योंकि भजनलाल सरकार लगातार जो जनता के कामों की जिक्र करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बार बार कहते हैं कि आने वाले समय में आम जनता के काम समय पर होंगे, और देखा भी गया था कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो उसमें साफ शब्दों में कहा कि आम जनता के काम नहीं रुकने चाहिए। तो उसी को देखते हुए जो आज तबादले हुए बिल्कुल ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, और आने वाले समय में सरकार चाहती है कि आम जन के काम समय पर हो, इसी वजह से ये जो तबादले किए जा रहे हैं बिल्कुल वही है, और आने वाले समय में कई विभागों में भी तबादले होने वाले हैं। चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है, और ये तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख पा रहे हैं, जिनमें आईएएस डॉक्टर महेंद्र खड़गावत का नाम शामिल है, साथ ही आईएएस हेमंत कुमार गेरा अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड, और आईएएस गायत्री राठौर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा विभाग जयपुर, आईएएस वैभव गातरिया अध्यक्ष राजस्थान आवासन मंडल,